कम बैक टू द न्यू एपिसोड गाइस। तो कैसे हो आप? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, खुश खैरियत से होंगे। तो चलिए भाई आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 11 बजे भाई, 11 बजे। मैं सुबह सुबह उठा था आज, बट आज सीन ऐसा था कि पापा और मम्मा गए थे डॉक्टर के पास, इसलिए मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया। घर में नहीं होता ना कोई, जब घर में कोई ना हो तो मुझे बैठना पड़ता है। अभी मैं निकला घर से, अभी जा रहा हूँ मैं बाजार, क्योंकि आज जाना हमने गाड़ी छोड़नी, हमने पिक्स पे क्या छोड़नी है पिक्स पे, उसका थोड़ा सा काम करवाना है, गाड़ी का क्लेम लेना है। बात बात हो रखी है वहाँ पे, बस गाड़ी लेके जानी है, हैंड ओवर करनी है, पेपर वगैरह साथ लेके जाना है। गाड़ी बाजार में ही है, कल ना मैं उधर ही छोड़ के आ गया था। चलते हैं वहाँ से गाड़ी को पिक करते हैं और उसको पिक्स पे छोड़ते हैं जाके। बाकी ईद तो नहीं मिल पाए हम, क्योंकि ईद तो व्लॉग नहीं बना पाया भाई, इतना प्रेशर था ना घर का, मतलब उधर से कुर्बानी, इधर से कुर्बानी, मासी के घर में कुर्बानी, नानीहाल में कुर्बानी, देखना पड़ता है सब कुछ। 50 ईद है आज के दिन, मैं व्लॉग बना रहा हूँ। पता नहीं ये व्लॉग 6th को आएगा या 7th को आएगा, आई डोंट नो। क्या करें, घर में भी मम्मा बीमार है, घूमने वूमने नहीं गए। कल ना मम्मा को डॉक्टर के पास लेके जाना है, देखते हैं कि डॉक्टर क्या बोलते हैं। बाकी एक नंबर मजा भाई, एक नंबर भाई, इतना मक्खन चल रही है इन दिनों, इतना मक्खन ना मक्खन, ये चेक कर लो, मेरे को पता था ये उधर देख रहा है। ओ भाई साहब, आपके भाई की ना सेहत थोड़ी सी खराब हो रखी है। ओ व्लॉग बनाने, व्लॉग बनाने, व्लॉग बनाने, बाजार जा रहा हूँ। तू कहाँ जा रहा है? ठीक है, बाद में कॉल करता हूँ। इज माई बेस्ट फ्रेंड भाई, आपका भाई ना बहुत खुश है, आज काफी दिनों के बाद आपसे मिल रहा हूँ ना, मतलब 3-4 दिन के बाद ही मिल रहा हूँ आज सीधा आपसे, इसलिए आज आपका भाई बहुत ज्यादा खुश है। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे कुछ सीन तो हुआ यार, पूरा ऑयल ऑयल गिरा हुआ है यहाँ पे। आपका भाई पहुंच चुका है पूरा स्टैंड में, ट्रैफिक भाई बहुत है, यहीं पे रोड का काम चल रहा है, मैग्रम चल रहा है दबा के भाई। आज बाइक नहीं निकलेगा ना क्योंकि क्रैश गार्ड लगा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा स्पेस ज्यादा चाहिए ब्रो। ये चेक कर रहा यहाँ से भी नहीं निकल पा रहा। आगे मुर्गों की गाड़ी जा रही है और जो गंदी स्मेल आ रही है ना भाई, क्या बताऊं। ओ भाई शाबाश, ऐसे ही चलो, चलो भैया आप ही चलो, निकलना तो आपने है नहीं, साइड लेने के का फायदा, का फायदा ब्रो, का फायदा। ओ भाई साहब, बोल रहे थे पापा की यहाँ पे पुलिस बैठी हुई है कहीं पे अदालत के पास शायद, आई थिंक सो। और हम तो निकल गए भैया, ये रॉन्ग साइड, ये चेक भाई, क्या भाई कहा बताएं, कहा बताएं अंकल के सब क्या सीन हो गया था, कहा बताएं वे, वो तो सब देख ही रहे हो। बाइक पे भी माँ कसम ना, आज गर्मी हो रही है कसम से, मतलब टाउन में घुसते ही ऊपर नहीं, ऊपर मगर और साइड में दबा के ठंड है, यहाँ पे हो रहा है कि बहुत गर्मी है भाई बाजार में, मतलब बाजू जल रही है कसम से। इतने भी लोंडे थे ना, लोंडे लोंडे सारे चले गए हैं कहाँ, लद्दाख। हमारा भी प्लान है, सबसे अलग जाएंगे वो। सो राइट, आपका भाई पहुंच चुका है अभी गाड़ी के पास, ये देख पा रही हूँ मैंने बाइक को यहाँ पे लगा दी है, बाइक को ले जानी है बाद में, यहाँ पे बॉल गिरी हुई। ओह शिट भाई, किसी के बच्चे की थी बॉल गिर गई थी, तो बॉल ना मैंने यहाँ से उठा लिया, तो अभी गाड़ी को निकालते हैं, मेरा फ्रेंड आ रहा है चाबी लेके, अभी चाबी लेते हैं और फिर निकालते हैं इसको लेके पिक्स पे जाते हैं और पिक्स पे छोड़ के आते हैं। गाड़ी लग रही है ना, तो भाई इसमें सीन ऐसा हुआ है कि मैंने ये डेंट है ना ये चेक कर रहा, ये परसों हो गया था इसका, तो इसीलिए मैं इसको क्लेम करने के लिए डाल रहा, ताकि जहाँ जहाँ पे जो जो स्क्रैच होगा भाई सारा का काम डन हो जाएगा। देखते हैं इस बॉल का मालिक कौन है भाई साहब, तो अभी फोन करता हूँ मैं फ्रेंड को और उसको बुलाता हूँ, मेरे को लेट हो रहा है पिक्स पे जाना, चाबी लेते हैं निकालते हैं गाड़ी और चलते हैं ब्रो। ऑलराइट, अभी आपके भाई ने पकड़ लिया गाड़ी की चाबी, ये देख रहे होंगे मैंने ना हेलमेट पहन ही लिया है, क्योंकि भाई व्लॉग बनाना है, व्लॉग किसी भी तरह बनाना है भाई। इसमें ना मैंने LCD निकाल के ना ये लगवा दिया था, बट ये ना थोड़ा बैंड में है यार भाई, क्या बताऊं, हो गई स्टार्ट, लंबा सा पकड़ा बट स्टार्ट हो गई। मैं ना गाड़ी को सोच रहा हूँ अब कि पूरा काम करवाऊँ, अब इन दिनों अब गाड़ी ना मेरे को ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, तो अगर गाड़ी को टाइम लगेगा भी मेरे को ज्यादा से ज्यादा तो 5 दिन लग जाएंगे फिक्स पे गाड़ी को, उसके बाद हम क्या करवाएंगे गाड़ी के सीट कवर वगैरह बनवाएंगे, एंड्रॉइड जो था वो वापस डलवाना है भाई, गाड़ी में बहुत सारे काम है, छत ब्लैक करवाना है, आगे बोनट पे सिद्धू डालना है, मैं आपको बताऊंगा बाद में जब मॉडिफिकेशन स्टार्ट होगा ना गाड़ी का, अब हम गाड़ी में ना फुल मॉड लगवाने वाले, पीछे स्पॉइलर वगैरह सब कुछ भाई सब कुछ। तो अभी पहले मैं गाड़ी को यहाँ से रिवर्स निकाल, क्योंकि ये ना गली बहुत छोटी है और इस गली में से ना रिवर्स जाना पड़ता है भाई, चेक कर लो कितना करीब हूँ मैं दीवार के, ये चेक कर लो। ओह शिट,
थोड़ा सा रहा भाई, थोड़ा सा, ओह माय गॉड, थोड़ा सा रहा और इधर सेंटर ठुक दिए भाई। आंटी देख रही है, बंदे ने हेलमेट आड़ी में पहना है, समझ रहे हो भाई। व्यू कैसा आ रहा है ये बताना, एक नंबर व्यू आ रहा होगा। रिएक्शन मिलने वाले भाई यार, कसम से आज बहुत ज्यादा रिएक्शन मिलने वाले हैं। मैंने हेलमेट इसलिए लिया ना क्योंकि मैंने एक फ्रेंड को बोल दिया कि आप एक काम करना, जैसे मैं काम खत्म करूँ पिक्स पे, मैं उनको गाड़ी हैंड ओवर करूँ, आप बाइक लेके आ जाना। ओह माय गॉड भाई, गाड़ी चलाने का अलग मजा है और बाइक चलाने का अलग। जब भी मैं गाड़ी में आता हूँ ना भाई, मतलब एक अलग फील होती है गाड़ी चलाने की। हमेशा हमेशा ये गाड़ी ना मुझे अलग मजा देते है, गाड़ी चलाने का अलग मजा, कसम से बता रहा हूँ, एक अलग ही लेवल का मजा आता है मुझे गाड़ी चलाने का। और तेल थोड़ा सा कम दिख रहा है मुझे, 2 लीटर तेल और डाल दूंगा क्योंकि हमको ना जरूरत पड़ेगी गाड़ी को उधर उधर लेके जाने में। गाड़ी का ना सबसे ज्यादा मुझे पसंद है हॉर्न, रूट्स का हॉर्न है डबल, ठीक है। इंडिकेटर दिखाना चाहिए ना, नॉनसेंस, बदतमीज इंसान, ऊपर से नखरे दिखा रहा है। अभी हम तो पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप पे, अभी पेट्रोल डलवाने। अब देख पा रहे होंगे भैया पेट्रोल डाल रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि गाड़ी उनको ना क्लीन ना करे कोई, अब वो काम करें अच्छे से करें, ताकि गाड़ी उधर इधर लेनी पड़ती है ना, गाड़ी में बहुत सारा काम होने वाला है। एक बात तो है ना भाई, एक नंबर गाड़ी बना के आऊंगा, ओनली वन इन शोपियां, ऐसा नहीं बोलता कि ओनली वन इन कश्मीर। ये सारा कुछ व्हाइट व्हाइट देख रहे हो इधर ना, वो लाइटें आने वाली हैं, ठीक है, वो लाइट्स वगैरह, और इसमें आने वाले हैं क्या बोलते हैं उसको, कौन सी गाड़ी है यार वो, जी वैगन वाले, ये वाले फुल मॉड में आने वाली है गाड़ी, रेडी रहना उसके लिए। रिएक्शन इस चीज के नहीं है कि हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, रिएक्शन इस चीज का है कि हमने हेलमेट पहना हुआ है गाड़ी में। पहली बार हुआ होगा कि शोपियां में कोई हेलमेट लगा के गाड़ी में घूम रहा है, आई डोंट नो इससे पहले कोई किसी ने लगाया है या नहीं लगाया, शोपियां में पहली बार है कि कोई बंदा ना हेलमेट लगा के गोप्रो लगा के गाड़ी में घूम रहा है। बास्ट वगैरह का सीन ना हो कि बोले कि क्यों लगा जो भी है वही, बस उसका सीन ना हो। ऑलराइट भाई, ये चेक कर लो, इसके अंदर आपका भाई घुस चुका हेलमेट लगा के गाड़ी लेके, भाई साहब ये चेक कर लो, आज भीड़ बहुत कम है, बात करते हैं फिर मिलते हैं ना। सो ऑलराइट, अभी हमने गाड़ी को लगा दिया साइड पे, मैं ना इसके मिरर वगैरह बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे ना इसमें अभी सामान लेना है। अभी गाड़ी को मैं करूंगा लॉक, चाबी रखूंगा अपने पास फिलहाल के लिए, अभी बंदे को बुलाऊंगा, उसको बोलूंगा कि बैग लेके आ जा। मैंने सारा बता दिया इनको कि क्या क्या सीन करना है, उन्होंने बोला कि जो सर्वे करने वाला आता है ना उसको, वो आएगा तो वो देखेगा कि क्या क्या डैमेज है, बोलना है कि ये मुझे चीज चाहिए उससे वो करवाएंगे, वरना हमें पे करना पड़ेगा, अगर आधी चीजें उसने नहीं दी उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा। देखते हैं अंदर चल के हेमू भाई से बात करते हैं, उनसे भी डिस्कस करते हैं कि क्या सीन रहता है। भूख भी लगी है, खाना खाने का टाइम हो रखा है अभी। और ये गाड़ी को चेक कर लो भाई, भाई पूरा इंजन डाउन है, भाई पूरा इंजन डाउन, ऐसा किसी के साथ में। चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या सीन रहता है, आपको भी बताते हैं फिर। अभी हम पहुंच चुके हैं भटपुरा वापस, क्योंकि हमने ना गाड़ी पिक्स पे छोड़ दी थी तो बहुत सारा टाइम लग गया वहां पे। फिर मैंने फ्रेंड को बुलाया, बाइक लेके आया, फिर मैंने फ्रेंड को ड्रॉप किया घर में। तो अभी मेरे साथ है मेरी बहन, गए हुए थे थोड़ा काम से, फिर हम जा रहे हैं खाला के घर जा रहे हैं, वहां से ना मेरे को चेरी लेके आ रहे हैं। घर में भी है बट मैंने उनको ना ऐसे ही बोला था परसों मुझे एक डब्बा दे देना, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, वो उस दिन ना उतार रहे थे उनको, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है आप आ जाना ले जाना। तो अभी वो कॉल कर रहे थे कि चेरी डब्बे हुए आके ले जाओ। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से वापस, क्योंकि अभी जस्ट खाला से चेरी का डब्बा लिया, वो ना कहीं पे लेके जाना है भाई, किसी को देना है, इसलिए लेके आया मैं यहाँ से। मैंने सोचा मैं दिखाऊंगा आपको बट वो पैक था, तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं आपको घर जाके दिखाऊंगा सीधे। चलते अभी घर, फुल पावर, मौसम देख पा रहे होंगे अभी बारिश दिखाई हुई है 60%। बाकी आज गाड़ी छोड़ दिया, चेक कर लिया सारा सीन जो भी था, बहुत बड़ा लिस्ट बनाया, मैं आपको ना दिखाऊंगा घर जाके। अभी हम पहुंच चुके हैं घर, ये रहा चेरी का डब्बा, ये चेरी का डब्बा हम निकाल देते हैं, हम देना मम्मा को, बैग जाएगा ऊपर मेरे रूम में, उसमें देख पा रहे होंगे गाड़ी के पेपर्स वगैरह, और मैं ढूंढ रहा हूँ जो हमें पिक्स वालों ने बिल दिया ना वो ढूंढ रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ये चेक कर लो, इसमें सारा कुछ है, बॉडी रिपेयर वगैरह का, फ्रंट बम्पर का, बैक बम्पर का, तो ये सारा कुछ जो जहाँ जहाँ पे मेरे को डेंट लगाना या टूटा हुआ दिखा या कुछ भी दिखा थोड़ा सा भी, मैंने सारा का सारा चेंज कर दिया है, ठीक है, डोर नॉब्स वगैरह पूरा भाई पूरा। मैंने गाड़ी से नाम हटा दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई गाड़ी वहाँ पे देखे और कहे कि लियो की गाड़ी और गाड़ी को सताना शुरू हो जाए। तो भाई क्या बताएं, दोस्त ही बहुत काले, मम्मा को देख लो, दे चेक करो मम्मा, ओए मम्मा, ओए
तो मम्मा भी परेशान है कि मैं गाड़ी कहाँ रखी है। ऐसे पानी गिलास कहाँ? मैं बैग अंदर छोड़ के आता हूँ, फिर चलते हैं हम अपनी जमीन में। तो यहीं पे पास में अभी हम पहुंच चुके हैं अपने खेत में। मैं स्टिंग साथ ही लाया था, स्टिंग बैग में पड़ी हुई। ये चेक कर लो, यहाँ पे चेरीज, यहाँ पे दो पेड़ है छोटे छोटे, और यहाँ पे भी ये ना पापा ने ये वाले जो है ना, ये पापा ने नए लगाए थे। इनके ना पत्ते देखना कितने फ्रेश पत्ते होते हैं ना, ये चेक कर लो, फ्रेश पत्ते और फ्रेश ये रहे, ये चेक कर लो। वाह, जिसने खाने है ना आ जाना, मलिक चेक आ जाना और आपने लिया यहाँ से चेरी ले लेना। और भी पेड़ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं खाता नहीं हूँ ये सब। हमारे घर में ना हर एक फ्रूट है, मैं 2 साल के बाद देख रहा हूँ ये, मतलब अपने हाथ में उठा के देख रहा हूँ। कल खाए थे शायद, और मतलब 2 साल इस साल मैं खा रहा हूँ, वरना मैं नहीं खाता। तो ग्रेप्स वगैरह सब कुछ है भाई, इधर खाता ही नहीं। तो जिसने भी खाने आ जाना लियो के घर। मलिक चेक पे पहुंच के ना किसी को भी बोलना कि लियो कहाँ रहता है या सरताज कहाँ रह रहा है, तो आपको कोई भी बता देगा। चलिए फिर आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, बिकॉज अब हम पहुंच चुके हैं घर। आई होप आपको किसी भी रीजन से व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं एक और फ्रेश से व्लॉग में, तब तक के लिए खुश खाते पीते रहे, स्वस्थ रहे। खुदा हाफिज़, बाय बाय।